बहुत गजब पावर है इसमें तो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स। आज आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत बढ़िया बाइक्स हैं, और भाई ऐसी ऐसी बाइकें मिलती हैं ना चलाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, और आप लोग भी देखते हैं, प्यार देते हैं बहुत सारा, तो उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो करना क्या है, लाइक करना है वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। ये जो है ये है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल 650, जो कि BSX मॉडल है, एंड ये आपको अभी अराउंड मिलती है 4 लाख के। एंड ये है हमारी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750, जिसका प्राइस अराउंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली है 8 लाख। वो आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, पावर फिगर स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी। हर चीज़ में, हर मामले में ज़्यादा है, प्राइस में भी ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें एज प्राइस, तो भाई ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बाइक के प्राइस में आप 2 GT ले सकते हैं, मतलब आप कल एक चलाओ, एक दूसरे कलर की अगले दिन चलाओ, तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी है ये, और अगर ये परफॉर्मेंस में जीतती है तो आपको उतना प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और हम हर समय रेस नहीं करते हैं, तो आप उस हिसाब से डिसाइड करिएगा। बाकी भाई दोनों बाइक अपने में बहुत बढ़िया है। इसका जो मतलब लुक है ना, वो भैया पहली बात तो यार ब्रांड हार्ले डेविडसन, और इसकी बात ही कुछ और होती है। V2 इंजन आपको इसमें मिलता है। ये जो है पैलेटोइन है, रॉयल एनफील्ड की निकाली है, लेकिन जो भी आई है ना मीटियोर 650, सुपर मीटियोर जो है, वो इसको मात दे देगी, स्पीड में नहीं लुक्स में, क्योंकि उसका जो क्रूज़र स्टैंस और क्रूज़र लुक है ना बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इन दोनों का हम लोग परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं शारिक भाई के साथ, और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। वैसे तो पावर फिगर में ये बहुत ज़्यादा है, बट ऑन रोड में क्या निकलता है रिजल्ट, वो हम लोग को अभी पता नहीं है। आज करेंगे, देखेंगे, और रिजल्ट आपको आपके सामने होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं सीधे ड्रैग में थोड़ी देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चलाएंगे स्ट्रीट रॉड। वैसे तो भाई फैमिलियर नहीं हूँ मैं इस गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले चलाई थी मैंने ये बाइक। अभी फिर से चलाएंगे, लॉन्च का सिस्टम क्या है देखना पड़ेगा। मैंने बस भाई कुछ भी बिल्कुल नहीं चलाई, और सीधे से मैं रेस करने जा रहा हूँ, तो माइंड मत करिएगा। तो ये बाइक जो है हमारे आकाश भाई की है, और ये ली है अभी इन्होंने रिसेंटली। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं। शारिक भाई का जो वेट है मेरे से कम है, भाई बहुत भारी बाइक है ये, अगर कंपेयर करूँ मैं GT से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ भाई बहुत गजब पावर है इसमें तो। ओ गदर भाई, ज्यादा पीछे नहीं था शारिब, कितने पीछे थे तुम? अरे ज्यादा पीछे नहीं थे, बहुत नजदीक थे भाई, इतना पीछे नहीं था मैं। लेकिन नहीं आ पाते तुम, ये आगे बढ़ी रही थी भाई, ये भी तो बढ़ रही थी। लेकिन इसमें लिमिटर आ जाता है भाई, ये 190 के पास चली गई थी, 180 पहुंची थी, 190 प्लस थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जीत पाते फिर भी। अरे बहुत गजब पावर है भाई इसमें, बहुत गजब पावर है भाई, गजब भागी। जो इसने पिकअप लिया है ना भाई, बहुत गजब पिकअप लिया है भाई, ये
रोक दिया, कोई बात नहीं, चलो भाई चलिए फिर से करते हैं, थोड़ा लंबा खींचेंगे, लंबा खींच के देखते हैं। हाँ वहाँ तक चलिए स्टार्ट करते हैं। अब राइडर चेंज कर लेते हैं, जैसा कि भाई बता रहे हैं कि ज़्यादा पीछे नहीं थे और मैंने रोक दी, बट मुझे नहीं लगता था जीत पाएगी, बट देखते हैं स्टार्ट करके अभी क्या होता है सीन। चलिए पाएगी यार, नहीं जा पाएगी यार, नहीं जीत पाएगी। बहुत गजब भागी है भाई, नहीं जीतना ही नहीं है इसको। मुझे लगता है मैंने ना जब चलाया है तो मैंने इसमें छठा गियर लगाया ही नहीं था। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे लग रहा था छठा गियर नहीं लगाया था तभी वो, हाँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला इसमें कितने गियर लगे। मैंने छठा लगा, पूरा छठा मैंने लगाया एकदम, अरे ऐसा लग रहा था बस पंख लगाओ और उड़ जाओ। तो भैया देख लिया आप लोगों ने सीन, बहुत मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। अब आप देख सकते हो कि पावर प्राइस बहुत मायने रखती है यहाँ पे, प्राइसिंग सबसे पहले मायने रखती है। आपको अगर 8 लाख रुपए मतलब इसका जस्ट डबल पैसा खर्च करोगे तो आपको इतनी पावर मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं है, मतलब 200 तो नहीं टच कर रही है, 200 टच कर रही होती तो भी मैं बोलता कि चलो 8 लाख 8.5 लाख खर्च कर लो आप, बट हाँ लुक वाइज में थोड़ी सी हैवी लगती है, बट यार GT हमारी ना जो इंडिया की बाइक है ना वो भी कम नहीं है इसको टक्कर देने के लिए। तो भाई यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि यार प्राइस के मामले में ये आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको ले लीजिए, लेकिन अगर बात करूँ लेने की तो हार्ली डेविडसन ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा यार, लो मस्त कोई भी बाइक, बस एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, क्योंकि भाई बाइक किसी के पास कोई भी हो सकती है, उसके सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए कि भाई उसके पास कम CC की बाइक है तो आप उसको मतलब जज करने लग जाओ, ठीक है। तो अगर कोई स्प्लेंडर भी चलाता है ना तो उसको भी मतलब अच्छी नज़र से देखो, क्योंकि वो भी एक राइडर भाई है हमारा। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है, वहाँ पे हम रील्स डालते रहते हैं। चलिए बाय बाय।